कृषि दर्शन के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी हो, तुम्हर मन के स्वागत है और जय जोहार है। आज तो मैं ये कही हूँ, ए साना नाना जी, वो साना नाना जी, भूल नहीं जाना जी, भूल नहीं जाना जी, कृषि दर्शन के ज्ञान। एकरे से आही जी संगी, सोनहा के बिहनिया चांदी के रात। एकरे से आही जी संगी, सोन के बिहनिया यो चांदी के रात। हाँ संगवारी हो, कृषि दर्शन के जो ज्ञान है तेन ला हमन छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन के आर्थिक उन्नति अच्छा होए और मन बढ़िया पोठ रहें। काबर तुमन जानता हो, देश का वही उन्नत माने जाते जिहाँ के किसान पोठे और जिहाँ के खेत पोठे। संगवारी हो, हमार धरती के मांग सजैया तुमन आओ, ओकरे सेती हमन तुमन ला कम खर्चा में कम मेहनत में ज़्यादा फायदा हो सके ऐसे सोच के हमार जो कृषि वैज्ञानिक मन है खेती के जो जगह है तिहाँ नवा नवा जो खोज करत हैं, नवा नवा बीज लाना थे, नवा नवा खातू लाना थे, नवा नवा तकनीक लाना थे, नया नया प्रकार के यंत्र लाना थे, ओकरे जानकारी देथन संग भी हो। तो आज हम आप मल्ला कुसुम के खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देबो। ये जानकारी ले के पहली आवाओ एक छोटे से विराम। अभी सघन टीकाकरण भी चलाते हैं, वो है खुरा चपका। खुरा चपका से दूध उत्पादन तुरंत कम हो जाते, भले ही जानवर के मृत्यु ना हो पर भी ओकर दूध उत्पादन एकदम कम हो जाते। तो हमला ओकर दो बार खुरा चपका के टीकाकरण करवाना है, एक ठंडी के दिन में, हमर छत्तीसगढ़ में त्यौहार मनते गोवर्धन पूजा ओकर ठीक बात खुरा चपका के टीकाकरण, और गर्मी के दिन में आप लग खुरा चपका के बूस्टर डोज लगवाना है, ये खुरा चपका के बचाव हो गए। संगवारी हो, आवाओ जानिन कुसुम के उन्नत खेती कैसे करे जाए और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हवें और ये मन पादप और प्रजनन विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आए। आओ एक से चर्चा करते। सर आपके स्वागत है, जय जोहार। जय जोहार सर। कुसुम के खेती हमारे छत्तीसगढ़ के अगर किसान मन करना चाहें तो सबसे पहली हमला खेत की तैयारी कैसे करे जाए तेल बताओ। कुसुम की फसल छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान की फसल खरीफ में बोई जाती है और धान कटने में बहुत बार देरी हो जाती है। नवंबर मध्य में धान की फसल कटती है, उसके बाद रवि की अधिकांश फसलों के लिए समय निकल चुका होता है, जो उपयुक्त समय होता है अक्टूबर का। उस स्थिति में कुसुम की फसल छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये एक तिलहनी फसल है और तेल की जो कमी है उसकी पूर्ति इसके गुणवत्ता तेल से हम पूरी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व में भी ये फसल ली जाती थी और ये यहाँ पे बर्रे भाजी के नाम से इसकी भाजी खाई जाती है। तो ये हमारे किसान भाई इससे अपरिचित नहीं है, ये यहाँ की फसल है जो पहले भी ली जाती थी और इसका जो तेल है वो जो दिल के मरीज हैं उनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है जी। तो इस फसल की बहुत उपयोगिता है। जहाँ तक खेत की तैयारी का सवाल है, इसके लिए एक गहरी जुताई करके खेत को तैयार कर सकते हैं, उसके बाद रोटावेटर चला के खेत के ढेले फोड़ लें, फिर कतार बोनी अगर करनी है तो जो इसका बीज रहता है वो 45 कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त माना जाता है। और अगर नहीं कर पाते हैं किसान भाई तो छिड़का में भी इसको लगा सकते हैं। और इस फसल की सबसे खास बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पानी की कमी है रबी फसल के लिए, तो इस फसल को पानी बहुत कम चाहिए है, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही उपयोगी है। बीज उपचार के लिए 3 ग्राम थायरम से थोड़ा सा पानी छिड़क के बीज में यदि हम गीला करके उसका उपचार करते हैं फिर बुआई करेंगे तो बहुत ही उपयुक्त रहेगा और जो भूमिजन्य रोग हैं उससे इस फसल की रोक होती है। सर ये तो इस खेत की तैयारी की बात। अच्छा बीजोपचार के का महत्व है, बीजोपचार काबर करें किसान, जेकर से कि का लाभ होते तिनोल बतावा, संग में एमा कौन प्रकार के बीजा हमारे छत्तीसगढ़ पर बढ़िया बहुत अच्छा है, कतका गहीर में लगाना चाहिए और कतका दूरी हम लगाना चाहिए तेल बता दो। कुसुम की फसल के लिए 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की मात्रा लगती है। इसका जो बीजोपचार है थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज, क्योंकि चिकना रहता है कड़ा रहता है, थोड़ा सा भिगा के और अगर थायरम को लगाएंगे तो वो बीज के ऊपर आ जाता है और जो बीज है वो उपचारित हो जाता है। इसकी जो बीज की गहराई आपने पूछी है 3 सेंटीमीटर की गहराई पे इसको बोया जाता है
और जो इसके लिए उपयुक्त किस्में हैं उसमें जो छत्तीसगढ़ के लिए अभी देर से बुआई के लिए मानी जा रही हैं उसमें PBNS 12 एक परभनी की किस्म है वो लगाई जा रही है। और जो पीछे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ कुसुम 1 ये जो किस्म है ये देर से बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त पाई गई है, 120 दिन में पक जाती है और ये इसमें 33% ऑयल होता है तो ये बहुत ही उपयुक्त छत्तीसगढ़ में देर से बुआई के लिए मानी जा रही है। अच्छा बीजोपचार कैसे करें, पानी में घोर के करें कि छींच के मिला ही, घर बारे में थोड़ा? पानी में हल्के से बीज में हल्के से पानी के छींटे देख के और थायरम का भुरकाव करके और बीज में मिला लेना चाहिए, भिगा के नहीं करना। एकर से क्या फायदा होती है बीजोपचार से? बीजोपचार से जो बीजजन्य रोग हैं और जो भूमिजन्य रोग हैं उससे शुरुआत में फसल को नुकसान नहीं होता है और बाद में भी हमको उपज में इससे बहुत लाभ मिलता है। अच्छा सर ये शुरू से लेके आखिरी तक के एमा पानी कब कब देन लगी, कतका कतका मात्रा में देन लगी, कौन विधि सबसे अच्छा होते? जो बीजोपचार अपन ने किया है उससे जैसे बच्चों को टीका लगा के हम अधिकांश बीमारियों से बचाते हैं उसी तरह से बीजोपचार फसल के लिए टीके का काम करता है तो बाद में बीमारी नहीं आती। और जो पानी की बात आपने कही है बुआई के बाद में एक जैसे छत्तीसगढ़ में फ्लड इरीगेशन देने का है तो उस वो भी दे सकते हैं लेकिन पानी भरना नहीं है खेत में, हमको केवल जो संतृप्तता है खेत की भूमि की वहाँ तक पानी देना है। उसके बाद हमको 45-60 दिन तक हमको पानी नहीं देना है, 60 दिन के बाद हमको एक पानी लगाना है और उसके बाद जब पुष्पन शुरू होता है उस समय एक पानी लगाना है यदि है तो, नहीं तो अगर पानी नहीं है तो 60 दिन के बाद पानी देने ही पर्याप्त होता है इस फसल में, उसके बाद पानी नहीं देना है। ये फसल कम पानी चाहती है, जड़ें गहरी जाती हैं तो कम पानी में ही ये अच्छी आती है। सर ये बहुत अच्छा बताया आपकी, ये सबसे कम पानी में उत्पादन होने वाला है, खूब पैसा घलो देने वाला पौधा है ये है। अच्छा ये जो खेत के तैयारी करते तीन समय कुछ खातु डाले पड़ते का एक और दूसर जब से हम लगाए हैं और तब से फूल फल के तक के कतका कतका खातु, कौन कौन प्रकार के खातु और कौन कौन विधि से देना चाहिए? जो आपने खाद की बात करी है ये फसल अभी हमने आपको बताया पानी बहुत कम लगता है, इस फसल में खाद की मात्रा भी सबसे कम लगती है। इस फसल में जो नाइट्रोजन है नत्रजन है वो 60 केजी पर एकड़, फास्फोरस 40 और पोटाश 30 लगती है तो दूसरी अगर फसलों से आप तुलना करेंगे तो ये सबसे कम मात्रा है उर्वरक की जो इस फसल में चाहिए। नत्रजन के आधी मात्रा और बाकी पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय नारी में डाल के कूड़ा में डाल के हम कर सकते हैं और जो आधी मात्रा रहती है नत्रजन की जब हम पहली सिंचाई कर रहे हैं 60 दिन बाद मैंने बताया उसके बाद अगर छिड़काव करेंगे यूरिया के रूप में या यूरिया के रूप में तो वो बहुत ही उससे जो शाखाएं हैं कंसे हैं वो बहुत बढ़ते हैं। ये मैं जैसे जैविक खाद है या और कंपोस्ट खाद है यहू मन के कुछ उपयोगिता है क्या उल डाले जा सकते का? जैसा कि मैंने बताया कि इसकी पौधे की जड़ें बहुत गहरी जाती हैं तो यदि हमने कंपोस्ट डाला है तो उस कंपोस्ट का कारण जो भूमि में भूमि का प्रकार है वो सुधरता है और अगर भूमि सुधरेगी तो जड़ें और गहरी जाएंगी और वो फसल को लाभ देगी। तो एक गाड़ी जो आती है कंपोस्ट की वो एक हेक्टर के लिए पर्याप्त होती है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इस फसल में एक बात ध्यान रखना है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी अगर हमने 20 सेंटीमीटर रखनी है क्योंकि जितना इस जगह मिलता है पौधे का वो पौधा उतना ज़्यादा फैलता है, शाखाएं उतनी ज़्यादा आती हैं, अगर हमने पास पास पौधे रख दिए हैं तो वो फसल की वृद्धि में सहायक नहीं होते हैं। तो पौधे की पौधी के बीच की दूरी रखने के लिए जब 22 से 25 दिन की फसल रहती है उस समय इसमें अगर हम उसको निंदाई करते हैं उसमें से हम पौधे कम करते हैं थिनिंग करते हैं तो वो बहुत उपयुक्त होगा और उस पौधे को जो निकल रहा है छत्तीसगढ़ में भाजी के रूप में बहुत प्रचलित है और वो लगभग लगभग पालक की भाजी जैसी उपयोग में आती है और उसकी जो पोषक तत्व हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो एक अतिरिक्त लाभ आय में किसान भाइयों के इससे हो सकता है। जी तो संगी हो ये ऐसे खेती है जेमें रोग राई घलो बहुत ज़्यादा नहीं आवा, केवल दुए प्रकार के रोग आते और रोग आ भी गए तो उन्होंने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचावा और ओखर बाद भी कहूँ आगे तो हमारे रोगर वगैरह दवाई छींच करके घर से फायदा उठा सकते हैं। आवा संगारी सर अब आपसे ये हम जानना चाहबो कि कैसे पहचानी किसान मन कि ये फसल काटे के लिए खो गए है, को कतका दिन में तैयार हो जाते ओखर का चिन्हारी है और साथे साथ में भंडारण किसी ढंग से रखे किसान मन है जेमें बीजा उजा है नुकसान ज़्यादा झन हुए?
इस फसल में जो किस्में हैं, जैसे मैंने आपको PBNS 12 बताया है, पुराना किस्म लगाते थे JSF 1, Nari 57, ये जो किस्में हैं ये छत्तीसगढ़ में लगभग 140 दिन में 145 दिन में पक रही हैं। पुष्पन इसमें 100 दिन में आता है। और जो छत्तीसगढ़ कुसुम एक हम निकालने वाले हैं किस्म, जो पीछे लगी हुई सफ़ेद पुष्प वाली, ये फसल 120 दिन में पक जाती है, इसमें 90 दिन में पुष्पन शुरू हो जाता है। तो 120 दिन की फसल पक्के तैयार होना और उसमें 33% जो तेल की मात्रा है भरपूर उपज के साथ, तो वो किसान भाइयों को बहुत लाभ देगा। इसके भंडारण में बहुत कठिनाई नहीं होती है, इसको बीज को अच्छे से धूप में सुखाकर और हम भंडारण इसका आसानी से कर सकते हैं। और इसका अंकुरण प्रतिशत भी दूसरी तिलहनी फसलों की तुलना में बहुत ज़्यादा अगले साल मिलता है। संगी हो आवाओ एक छोटे से विराम ले लेथन, ओकर बाद में हमारे जो ये कुसुम के उन्नत खेती की जो चर्चा है तेल फिर आगे बढ़ावो। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए, ए, बी, बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है, अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36% से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। विराम के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर से स्वागत है। आवाओ हमार जो आज के बाजे चर्चा है कुसुम के खेती कैसे करे जाए उन्नत ढंग से, वो आगे बढ़ावा थन। सर आपके फिर से एक बार स्वागत है। सर हमार ये जानना चाहते हैं कि जो कुसुम के खेती लत बढ़िया उत्पादन कैसे करना है, खातों कैसे देना है, पानी तला तो आप बताए हवा, संग में एकर उपयोगिता का है, एकर से का का लाभ है हमारे किसान भाई मल्ला, एकर बारे में बताओ। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, ये फसल आज भारतवर्ष में तिलहन का उत्पादन कम हो गया है। तिलहनी फसलों में सबसे अच्छी फसल मानी जाती है कुसुम। पुराने समय में ये करड़ी के नाम से इसका तेल बहुत प्रसिद्ध था और सब अपने खाने में दैनिक उपयोग में इसका उपयोग करते थे। अभी इसका जो तेल है कुसुम का, इसमें मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि स्वास्थ्य के लिए, हृदय के रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, केवल इसी फसल के तेल में मिलता है। और इस कारण से यदि किसान भाई इसको उगाते हैं और अगर अपने क्षेत्रीय लेवल पे ही इसको पिराई करा के और इसका तेल उपयोग में लाते हैं, बेचते हैं, तो उनको भरपूर दाम भी मिलेंगे और इसका तेल सबसे अच्छा खाने के लिए माना जाता है। तो विटामिन ई इसमें पर्याप्त होता है, ओलिक एसिड,
जो ओमेगा 3 है वो इसमें पर्याप्त मात्रा में है, और मोनो और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो किसी भी तेल की पोषकता को व्यक्त करते हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका तेल सबसे अच्छा है और जो हृदय पेशेंट हैं उनके लिए तो ये सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। तो संगी हो जतका कन तेल है तेन तेल में तेल के राजा कुसुम के तेल हम कैसे कही सकत हन, काबर की हृदय रोग पर घलो फायदेमंद है वही कई प्रकार के फायदा घलो देते। अब आवा थोड़ा एकर गणित ये जान ली संगवारी हो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि एक एक हेक्टेयर में खर्चा कतेक आजत होही और कतेक अनुमानित एक खर्चा कतेक आजत होही और अनुमानित लाभ किसान भाई मन कतका कमा सकत है। कुसुम का बीज जो है लगभग 19 रुपये किलो में मिल जाता है, 4 किलो बीज लगता है, तो बीज की मात्रा भी 100 रुपये के अंदर अंदर किसान की एक एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाती है। खाद मैंने आपको बताया है कि इसमें बिल्कुल कम लगती है, कतार से कतार की दूरी बहुत ज़्यादा है तो बुआई में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो कुल कास्त अगर लगाएंगे तो 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति एकड़ में पानी सहित किसान को लगाना है और उसको जो उपज मिलती है लगभग 20 क्विंटल मिलती है प्रति हेक्टर। तो इस हिसाब से किसान को कई गुना लाभ मिलता है। यदि किसान बीज नहीं बेच के तेल बेचता है तो उसको और ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना रहती है। तो संगी हो कम खर्चा में ज़्यादा फायदा देवैया ये कुसुम के खेती हमन माने जाते। अब संगी सर एक बात और आपसे जानना चाहतन कि ये जो कुसुम के खेती तेखर पर कौन कौन से और छोटे छोटे बात ला हमारे किसान भाई मन ध्यान रखें जेखर से खर उत्पादन ज़्यादा अच्छा से ढंग से हो सके। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके पौधों में बाढ़ बहुत होती है, तो यदि कतार पौधों के बीच की दूरी हम पर्याप्त रखते हैं तो पौधे बहुत बढ़ेंगे, उसमें शाखाएं बहुत आएंगी और उसमें भरपूर हमको उत्पादन मिलेगा। एक छत्तीसगढ़ में चराई की समस्या प्रमुख है जी। इस फसल में कांटे होते हैं इसलिए इसको अगर हम बाद की अवस्था में पत्तियों में कांटे आते हैं शुरू में नहीं रहते हैं, तो अगर शुरू में हम इसको बचा लेते हैं तो बाद में इसमें चराई में समस्या नहीं है, चोरी इसकी नहीं होती है। और ये भी पाया गया है कि अगर दूसरी फसलें लगी हैं तो बंदर इस फसल को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं दूसरी फसलों को, जो छत्तीसगढ़ में प्रमुख समस्या है। तो यदि ये फसल लगाते हैं तो बंदरों से इसका नुकसान नहीं है, चराई इसमें कम से कम होती है और इस तरह से ये किसान को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए बहुत उपयुक्त है। यदि किसान भाई कोई दूसरी फसल के साथ लेना चाहें तो जो कुसुम की फसल है यदि इसको किनारे इसका बीज डाल देते हैं चने की फसल या गेहूं की फसल के तो वो बाड़ी का काम भी करता है, कांटे होने से उसमें कोई घुसेगा नहीं जानवर, और यदि 2 या 3 कतार इसकी लगा देते हैं तो ये अतिरिक्त उपज मिलेगी उनको और वो उसकी जो मुख्य फसल है उसको भी सुरक्षा देते हैं। तो इस फसल को आप एक फेंसिंग के रूप में बाड़ी के रूप में भी आप लगा सकते हैं दूसरी मुख्य फसल को रोकने के लिए, कतार बोनी में भी कर सकते हैं और सोलो क्रॉप में भी इसको ले सकते हैं। तो संगी हो कैसे जो कुसुम के खेती है तेन तो तेल देवेज करते कम खर्चा वाला घलो है, साथ साथ में दूसर फसल के अगर रक्षा के रूप में घलो हमने तीर तीर में लगा सकते हैं काबर के हम कांटा होते। अब ये जानिए संगी हो कि हमारा उत्पादन जो करबो हमारे किसान भाई मन है सर वो ओला मन कहाँ जाके बेच सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हर मांग हवा है, और संगे संग में बतावा कि ये फसल लगा साल में एक दो बार भी ले जा सकते हैं कि एक ही बार ले जा सकते हैं। इस फसल को साल में एक ही बार ली जा सकती है क्योंकि इसको हम अगर नवंबर में बो रहे हैं और ये मार्च में कट रहा है, मार्च या अप्रैल में ये कटेगा तो उसके बाद ये नहीं लगाई जा सकती है। बीज के लिए तो नहीं लगाई जा सकती, भाजी के लिए यदि किसान भाई चाहें तो लगा सकते हैं। जहाँ तक आपने बीज के विपणन का बात करा कि इसको कहाँ बेचना है, तो मंडियों में इसका विपणन आसानी से हो जाता है। इसके अलावा कई ऐसी तेल उत्पादन करने वाली जो देश की प्रमुख कंपनियाँ हैं वो भी किसानों से सीधे इसका बीज खरीदती हैं जी। सर तो आप बहुत बढ़िया जानकारी आप हमारे किसान भाई मन दे हो, कम खर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देवैया स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घलो और पर्यावरण के दृष्टिकोण से घलो सब डहर ले बढ़िया बताए हो आप, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहर। धन्यवाद। तो संगी हो अभी हमन जाने हैं कि कुसुम के उन्नत खेती कैसे करे जाए और कतेक फायदा वाले तनुल तुमन देखे हवा आओ संगवारी हो एक बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत के आनंद लेथन ओकर बाद फिर से वहाँ हाजिर हो।
कैसे लगी संगवारी हो, मजा आईस ना? सही बात है, अपन घर के दार भात और अपन गीत संगीत के आनंद अलगे रहते संगी हो तो संगी हो कि कुसुम के खेती हर डहाल ले लाभकारी दिखत हवे। कम खर्चा लागते, कम खातू लागते, कम पानी लागते और साथ में एकर बाजार में खूब मांग घलो है। एकर जो तेल है तेन हाँ सबसे अच्छा तेल माने जाते स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर, हार्दिक हृदय पर। तो एक ही संगी हो तुहु मन आज के बताए के हिसाब से कुसुम के खेती करो और खूब कमाओ और फिर अवैया दरी पर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।